राजस्थान में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य के दो बड़े राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस अब पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। बीजेपी यहां राज्य की सभी 25 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस उसकी बादशाहत को खत्म करने की आस लगाए है। उदयपुर लोकसभा सीट मेवाड़ डिवीजन की 4 सीटों में से एक है। इसमें 4 जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और हाल ही में बनाए गए सलूनबर के 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। 32 लाख से ज्यादा वोटरों वाली इस सीट के करीब 81% मतदाता ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र के 60% से ज्यादा वोटर SC/ST समुदाय के हैं, बाकी वोटर सामान्य और OBC समुदाय के हैं। उदयपुर लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच जीत हासिल करने की होड़ लगी है। हालांकि भारत आदिवासी पार्टी की एंट्री ने तस्वीर को बदल दिया है और अब वो भी जीत की ताल ठोक रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी में वोटों को बांटने की ताकत है। पार्टी ने 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में सलूनबर और खेरवाड़ा के विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया था। सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे दिखाई पड़ता है वो नया जिला सलूनबर का है। नया जिला बना है तो उस सलूनबर जिले की जो कायाकल्प होना भी शेष है। मैंने अभी पिछले दिनों सलूनबर का दौरा किया, वो एक कस्बाई मानसिकता वाला कस्बा है, लेकिन ऐसे में वहाँ पर अभी जिले जैसी ग्लोरी या जो जिले जैसी जो आभा दिखनी चाहिए वो नहीं है। तो वहाँ के लोगों में एक निश्चित तौर पर एक अनुमान लगाया जा सकता है या अपेक्षा की जा सकती है कि हमारा जिला विकसित हो और महत्वपूर्ण तरीके से उदयपुर लोकसभा सीट के पटल पर दिखाई पड़े। जनजाति समुदाय के अहम मुद्दों में पेसा अधिनियम के तहत जल, जमीन और जंगल के अधिकारों के साथ उनके इलाकों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना शामिल है। स्थानीय मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाने चाहिए, खासतौर से जो आदिवासियों के विषय हैं, जिसमें बहुत बड़ा एक सवाल है वो उनके विस्थापन का है। हर बार उनको रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है और उनके जो जंगल और ज़मीन के अधिकार हैं, जल का अधिकार है, पेसा एक्ट है, इन सबको, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, इन सब को कितनी अच्छी तरह से लागू करके उनके हितों की रक्षा की जा सकती है, मुझे लगता है कि दोनों ही प्रत्याशियों को इन पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। उदयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के वोटरों का अहम मुद्दा टूरिज्म बिजनेस से जुड़ा है। उनकी मांग है कि इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों के टूरिज्म से जोड़ा जाए, साथ ही वे यहां के एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने, रेल सर्विस बढ़ाने, हाई कोर्ट बेंच बनाने और उदयपुर शहर को बी कैटेगरी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं, ऐसे में यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन दिख रहा है। चाहे कोई भी मुद्दे रहे हो, हमने अब तक के देखे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू होगा तो अलग अलग तरह के कानून नहीं रहेंगे, एक तरह का कानून हो जाएगा, तो वो भी सबके जनहित में रहेगा और सबको समान अधिकार मिलेंगे, समान कानून होगा, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। वहीं धारा 370 का मामला है, अयोध्या में राम प्रभु की जो बात है वो बात कह लो, या हर तरीके से हम कहें कि हम जो जनता वास्तव में चाहती है, हम जो चाहते हैं वही तो हो रहा है, तो हम उन्हें वोट क्यों ना करें जो हमारी चाहत के अनुरूप हमें, हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। मैं वोट कास्ट करने से पहले सबसे पहले देखूंगा मेरा इंडिया का नाम फॉरेन में कितना फेमस है, क्या लोग, इतने बड़े बड़े लोग इंडिया का नाम ले रहे हैं, इंडिया की वैल्यू कितनी है। तो इसका सेकेंड देखूंगा कि इंडिया में कितना रोड नेटवर्क कितना अच्छा हुआ है, और थर्ड मैं देखूंगा अब कि पब्लिक का डीलिंग कैसी, आपकी पब्लिक के इमोशंस का जुड़े हुए नहीं हुए, आपकी पब्लिक का काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इस ये मुद्दे रहेंगे देखने के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी व्यापारी की ये है, हम छोटे कस्टमर हैं और हमारा जो व्यापार का जो तरीका है, जो कस्टमर आता है रहता है और हमारा पूरा व्यापार को ऑनलाइन खत्म कर दिया है, और इतनी बड़ी सरकारें आई हैं, सब काम हिंदुस्तान में अच्छा हो रहा है, नरेंद्र मोदी का नाम भी जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कर रहा है, उन्होंने व्यापारी के लिए कुछ नहीं सोचा है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही उदयपुर लोकसभा सीट पर पिछले 3 दशकों से बीजेपी का दबदबा रहा है। यहां के ज्यादातर वोटर जनजाति समुदाय से जुड़े हैं, जिनके बीच बीजेपी ने अच्छी पकड़ बना ली है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस के रघुवर सिंह मीणा को हराया था। वहीं 2019 में अर्जुन लाल मीणा ने कांग्रेस उम्मीदवार को लगभग 4,38,000 वोटों के अंतर से हराया था। उदयपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस ने इस बार नए उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी की तरफ से इस सीट पर मन्ना लाल रावत चुनाव लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस ने ताराचंद मीणा को मैदान में उतारा है।